ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी 40वीं बरसी है आज, जिसे देखते हुए अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वे चप्पे चप्पे पर मुश्तैद हैं और पैनी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले कि हम वर्तमान स्थिति पर बात करें, पहले जान लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या। बांग्लादेश बनने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत की आंतरिक समस्याओं को तूल देने की रणनीति अपनाई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स नाम से जनरल जियाउल हक ने मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई, जिससे भारत में अलग अलग जगहों पर घाव करने की रणनीति अपनाई गई। इसी कड़ी में पंजाब में अलगाववाद का समर्थन किया गया। ये समस्या इतनी बढ़ी कि भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ा। दरअसल दमदमी टकसाल के नेता और खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरांवाले और उसके अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, जिसे ये विशेष अभियान चलाकर मुक्त कराया गया। ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया क्योंकि पंजाब में भिंडरांवाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए, जबकि 249 घायल हुए। इसके अलावा 493 अन्य लोगों की भी मौत की पुष्टि हुई। 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस ऑपरेशन से विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई। आज बरसी के मौके पर गोल्डन टेंपल पर सुरक्षा की पूरी तैयारी है, जिसको लेकर SSP SS रंधावा सिंह ने पूरी जानकारी दी है। सुनिए। साढ़े इतने CP साहब सरदार भुल्लर साहब हुणाने ने बहुत वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, जिस दौरान सानू भी जिहड़ा इत्थे एक नाका पॉइंट आ घिओ मंडी चौंक, इस तों अलावा लागे साढ़े कोल दो प्रजर्व ने, कोई अणसुखावी घटना तो बाहरों कोई गलत अंसर आ के कोई ना करे तो शांतिपूर्वक जिहड़ा जे घलू घर वीक आ उह मनाया जा सके। ये कंपनियां का टोटल तो सारा जो सारे इतने अमृतसर के लगाया वह तो तुम दस सकते हैं, अपने भुल्लर साहब भी दस सकते हैं। इस तो अलावा जो इतने असी लगाई है फोर्स तकरीबन इतने नाके पॉइंट के उत्ते तकरीबन 50 बंदे ने, BSP ने 2, एक SP साहब ने। इस तो अलावा जी एक होर रिजर्व है उसके भी DSP इंचार्ज ने, 30 बंदे आ उन्होंने को। ओवरऑल साढ़े को जो टोटल फोर्स आ 150 के लागे। BSF ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। आपको बता दें कि ऑपरेशन में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 40,000 से अधिक सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। वहीं अलगाववादी नारे लगाने की भी संभावना जताई गई थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, भारी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने हाथ में पोस्टर लेकर अलगाववादी नारे लगाए। हालांकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।